एसन कयूम और मैं 2 times गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट हूँ। मेरा एक्चुअली जो मीडियम है वो मिनिएचर है। मैं मिनिएचर के ऊपर आर्ट वर्क करता हूँ। मिनिएचर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, स्कल्पटिंग होती है। तो मैं जो काम करता हूँ वो स्कल्पटिंग करता हूँ, और स्कल्पटिंग जो है ऐसे मिनिएचर बेस पे करता हूँ कि पेंसिल की जो टिप होती है उसको कार्व करके मैं डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता हूँ। 2019 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे एक रिकॉर्ड देखा, तो उसको देख के मुझे लगा कि मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे रिलेटेड है और मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया और 2019 में मैंने इसकी सबमिट करवा दी एप्लीकेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को, और इसके ऊपर मैंने जो है काम स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 months बाद जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा ऑफिशियली अप्रूव हो गया। और 2020 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे एक रिकॉर्ड देखा था, वो भी इसी मिनिएचर से रिलेटेड था, लेकिन वो थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड था। डैट वाज अबाउट मेकिंग अ स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर। तो मुझे लगा कि मैं भी इसमें रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया। और जो वहाँ पे जो ऑफिशियल अटेम्प्ट थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे, वो 2.9 सेंटीमीटर्स की थी। 2.9 सेंटीमीटर मींस उसकी जो वैक्यूम क्लीनर की लेंथ थी वो 2.9 सेंटीमीटर्स की थी। तो उसको मैं ब्रेक करना चाह रहा था अपनी अटेम्प्ट से। मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मेरी जो अटेम्प्ट थी वो 1.9 सेंटीमीटर्स की थी। मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, और 3 months बाद मुझे मेरी जो है वो एविडेंसेस के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने एविडेंसेस सबमिट करवाए। लेकिन ड्यूरिंग माय एप्लीकेशन प्रोसेस एक और इंडियन आर्टिस्ट था, वो अपने रिकॉर्ड के साथ इमर्ज हुआ जो मेरे रिकॉर्ड को एक्सीड कर रहा था। तो लेकिन मेरा अभी एप्लीकेशन प्रोसेस रिव्यू में था, तो इसलिए मैंने अपने रिकॉर्ड मैनेजर से दोबारा रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और चांस दिया जाए ताकि मैं इसको और शॉर्टर लेवल पे करके जो अपना रिकॉर्ड है वो अचीव कर सकूं। उन्होंने मुझे अगेन चांस दिया और मैंने इसको जो है 1.46 सेंटीमीटर्स तक लेके आ गया। इसके बाद क्या कहते हैं, अभी मैंने मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है रिव्यू में था, एक और इंडियन आर्टिस्ट था, 3rd time जो है वो इमर्ज हुआ अपने रिकॉर्ड के साथ, जिसकी लेंथ थी 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं हिम्मत हारना जो है मेरी फितरत में नहीं है, तो मैं बिल्कुल जो है हिम्मत नहीं हारा और मैंने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और चांस दिया जाए, मैं इसको दोबारा जो है इस पर अटैम्प्ट करना चाहता हूँ। लकीली उन्होंने मुझे एक और चांस दिया और मैंने जो 3rd attempt में इसको 1.3 सेंटीमीटर्स की लंबाई का वैक्यूम क्लीनर बनाया, और जो कि मेरा 2021 में अगस्त में जो रिकॉर्ड है वो ऑफिशियली अप्रूव्ड हो गया।